Hey guys, my name is Tejasvi and welcome back to my channel. अभी मैं हूँ पॉन्डीचेरी में जो कि एक यूनियन टेरिटरी है और ये प्लेस फेमस है फॉर इट्स लवली बीचेस, कैफेज एंड फ्रेंच आर्किटेक्चर जो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको इसकी एक कम्प्लीट टूर आइटिनरी देने वाली हूँ, लाइक यहाँ पर कैसे आते हैं, देन बेस्ट प्लेस टू स्टे, देन टूरिस्ट प्लेसेस एंड एवरीथिंग। तो अगर आप भी पॉन्डीचेरी आने का प्लान कर रहे हो तो डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। पॉन्डीचेरी जाने के मल्टीपल वेज है, जिसमें से सबसे फर्स्ट इज बाय रोड। साउथ के मेजर सिटी से पॉन्डीचेरी के लिए बसेस निकलती है जो आपको पॉन्डीचेरी सिटी में ड्रॉप कर देगी, जहां से आपको ऑटो वगैरह मिल जाएगी टिल योर स्टे। देन सेकेंड ऑप्शन इज बाय रेल। पॉन्डीचेरी का खुद का रेलवे स्टेशन है जहाँ ऑलमोस्ट एवरी साउथ सिटी से ट्रेन कनेक्ट होती है। और लास्ट थर्ड ऑप्शन इज बाय एयर। अगर आप फ्लाइट प्रिफर करते हो तो आप पॉन्डीचेरी एयरपोर्ट तक आ सकते हो, बट दी ओनली थिंग इज यहाँ रेगुलर फ्लाइट्स नहीं होती है। तो उसके अलावा आप आ सकते हो चेन्नई एयरपोर्ट तक, देन चेन्नई से आपको बस या फिर कैब मिल जाएगी टिल पॉन्डीचेरी, जो कि एक 3.5 आवर का डिस्टेंस है। सो आफ्टर रीचिंग पॉन्डीचेरी, इसे एक्सप्लोर करने के लिए यू कैन हायर अ कैब और ऑटो, या फिर आप बाइक ऑन रेंट ले सकते हो। पॉन्डीचेरी में इजीली बाइक ऑन रेंट अवेलेबल है जिसका कॉस्ट है अराउंड 400 to 500 रुपीज। सो आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन, अब मैं आपको यहाँ के स्टे के बारे में बताऊंगी। पॉन्डीचेरी में बजट से लेकर लग्जरी जैसे दोनों टाइप ऑफ स्टे अवेलेबल है। लग्जरी स्टे में आप बीच व्यू वाले रूम बुक कर सकते हो एंड बजट में आपको होम स्टे वगैरह है जो मिल जाएगा। तो इसकी बुकिंग करने के लिए आप booking.com, Agoda, Airbnb जैसी साइट का यूज कर सकते हो। सो आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन एंड अकोमोडेशन, अब हम एक एक करके जानेंगे इसकी डे टू डे आइटिनरी के बारे में। तो सबसे फर्स्ट प्लेस हम पॉन्डीचेरी में एक्सप्लोर करने वाले हैं जो है अवर लेडी ऑफ एंजल चर्च। ये फोर्थ ओल्डेस्ट चर्च है पॉन्डीचेरी का, जिसे फ्रेंच लोगों ने बिल्ड किया गया था इन 1855। इसका स्ट्रक्चर ग्रीको रोमन आर्किटेक्चर स्टाइल में बिल्ड किया गया है, जहां आज भी प्रेयर्स होती है। ये पॉन्डीचेरी का इकलौता चर्च है जहां 3 डिफरेंट लैंग्वेज में प्रेयर्स होती है, जो है फ्रेंच, तमिल एंड इंग्लिश। ये चर्च जितना अंदर से सुंदर है उतना ही बाहर से ब्यूटीफुल है, जो एवरी डे 5:30 AM टू 12 PM एंड 4 PM टू 8 PM के बीच ओपन रहता है। तो ये ब्यूटीफुल सा फ्रेंच बिल्ड चर्च देख के जाएंगे हमारे नेक्स्ट लोकेशन पर, जो है फ्रेंच कॉलोनी। ये प्लेस वॉकेबल डिस्टेंस पर ही है और इसे प्रॉपरली एक्सप्लोर करने के लिए या वॉकिंग ही आना। सो गाइज, ये है फ्रेंच कॉलोनी। पॉन्डीचेरी आए और फ्रेंच कॉलोनी नहीं विजिट किया तो क्या ही देखा। ये वो प्लेस है जहाँ फ्रेंच लोग रहा करते थे, इसलिए इसे फ्रेंच कॉलोनी ऐसा कहा जाता है। यहाँ ज्यादातर लोग इन फ्रेंच स्टाइल बिल्डिंग के सामने फोटोज वगैरह क्लिक करने आते हैं, ऐसी एक बहुत ही फोटोजेनिक प्लेस है। अब ऐसा कहते हैं कि यहाँ आज भी कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो फ्रेंच लैंग्वेज में बात करते हैं, और कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जिन्हें बहुत ही सुंदर सुंदर कैफेज एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में कन्वर्ट किया गया है। तो उसी गवर्नमेंट बिल्डिंग में से एक है हमारा नेक्स्ट लोकेशन, जो फ्रेंच कॉलोनी में ही है, जो है पुलिस म्यूजियम। ये एक स्मॉल म्यूजियम है जो 10 AM टू 1 PM एंड 2 PM टू 6 PM के बीच ओपन रहता है और ये मंडे को क्लोज रहता है। इसका कोई भी एंट्री चार्जेस नहीं है और यहाँ अंदर आपको वेपन्स की कलेक्शन देखने मिलेगी, देन डिफरेंट यूनिफॉर्म ऑफ पुलिस देखने मिलेगी अक्रॉस द सेंचुरी। ये प्लेस एकदम लेस नोन है, तो अगर आपको पुराने जमाने के वेपन्स एंड पुलिस यूनिफॉर्म्स वगैरह देखने में और उनके बारे में हिस्ट्री जानने में इंटरेस्ट है तो डू विजिट दिस पुलिस म्यूजियम। आफ्टर दैट नेक्स्ट लोकेशन है श्री औरबिंदो आश्रम। यहाँ अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं है, अंदर जाते समय आपको अपना फोन जो है वो स्विच ऑफ करना होता है। ये एक बहुत ही काम प्लेस है जहाँ बहुत पीसफुल एंड पॉजिटिव फील होता है, वेयर यू कैन सिट एंड डू मेडिटेशन। यहाँ अंदर एंटर करने के लिए कोई भी एंट्री चार्जेस नहीं है। ये एवरी डे 8 AM टू 11:30 AM एंड 2 PM टू 6 PM तक ओपन रहता है। तो यहाँ पर थोड़ी देर रिलैक्स करके जाएंगे हमारे नेक्स्ट लोकेशन पर, जो है पॉन्डीचेरी म्यूजियम।
इस म्यूजियम में काफी अलग अलग कलेक्शन ऑफ आइटम्स है, लाइक पुराने जमाने के वेपन्स, स्टोन कट पिलर्स, कॉइन कलेक्शन, एंटिक फर्नीचर और डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स देखने मिलेंगे। सो यहाँ कुछ अमेजिंग आर्टिफैक्ट्स देख के हम जाएंगे पॉन्डिचेरी के वन ऑफ द फेमस प्लेस पर, जो है प्रोमेनेड बीच। दिस बीच इज सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ सिटी, जो कि मोस्ट पॉपुलर बीच है पॉन्डिचेरी का। एंड एज ये मोस्ट पॉपुलर बीच है, तो यहाँ वीकेंड पे पार्किंग मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको अपना व्हीकल दूर कहीं पर स्ट्रीट पर पार्क करके एक स्मॉल वॉक करके यहाँ तक आना होगा। सो गाइज, ये है प्रोमेनेड बीच, जिसे कई सारे नामों से जाना जाता है, लाइक पॉन्डिचेरी बीच, रॉक बीच, महात्मा गांधी बीच एंड एक्सेट्रा, जो कि काफी फेमस है फॉर इट्स ब्यूटीफुल रॉकी कोस्ट लाइन, जो कि मुंबई के मरीन ड्राइव की याद दिलाता है। इस बीच को लग के ही एक वॉकिंग प्लाजा है जिसका नाम है गॉबिट एवेन्यू, जहाँ अक्सर लोग मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए आते हैं। और इसी स्ट्रीट पर एक फेमस शॉप भी है जिसका नाम है बेकर स्ट्रीट, जहां आपको ट्रेडिशनल फ्रेंच फूड टेस्ट करने मिलेगा, तो वो तो आप डेफिनेटली विजिट करना। सो ट्रेडिशनल फ्रेंच फूड टेस्ट करने के बाद अगर आप थोड़ा और आगे जाओगे तो वहां पर है महात्मा गांधी जी का एक बड़ा सा स्टैचू। ऑल्सो प्रोमिनेंट बीच से बाहर आते ही यहाँ एक स्मॉल शॉपिंग लेन भी है, where you can buy some beautiful handmade stuff like bag, wallet, comb and etc. So after exploring Promenade Beach, अगर आपके पास time बचता है तो you can visit this Bharati Park, जो कि beach से बाहर निकलते ही आपको सामने ही दिख जाएगा। यहाँ पर अंदर kids play area वगैरह है, तो अगर आपके साथ kids वगैरह है तो आप उन्हें लेकर यहाँ पर जा सकते हो and then you can go back to your hotel. डे टू की शुरुआत अर्ली मॉर्निंग उठ के सनराइज से करेंगे, जो हम देखने जाएंगे पैराडाइज बीच से। पैराडाइज बीच सिटी सेंटर से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और ये बहुत ही अमेजिंग बीच है। यहाँ जाने के दो डिफरेंट वेज है, एक तो आप बाय रोड डायरेक्टली जा सकते हो एंड दूसरा वे है बाय बोट। चुनम्बर बोट हाउस से पैराडाइज बीच तक बोट्स जाती है, तो अगर आपको बोटिंग का एक्सपीरियंस चाहिए तो आप चुनम्बर बोट हाउस से बोट लेके पैराडाइज बीच जा सकते हो। पैराडाइज बीच पर लोग अर्ली मॉर्निंग सनराइज देखने के लिए आना पसंद करते हैं, एज यहाँ से बहुत ही अमेजिंग व्यू दिखाई देता है। इस बीच पर स्विम करना सेफ नहीं है, तो इसलिए सभी लोग यहाँ शोर लाइन पर बैठ के चिल कर रहे थे। सो आफ्टर वॉचिंग ब्यूटिफुल सनराइज फ्रॉम द बीच, आप जा सकते हो ईडन बीच एक्सप्लोर करने, जो कि ब्लू फ्लैग बीच है। ये पॉन्डिचेरी का फर्स्ट बीच है जिसे ब्लू फ्लैग टैग मिला है। सो आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम एट बीचेस, नेक्स्ट एंड लास्ट लोकेशन इज ऑरोविल। ऑरोविल ये पॉन्डिचेरी से 40 मिनट के डिस्टेंस पर है और ये एक बहुत ही अमेजिंग प्लेस है, तो यहाँ तो आप डेफिनेटली विजिट करना। यहाँ पर आपको प्रॉपर पार्किंग वगैरह जो है वो मिल जाएगी, जो कि पेड है। अब बिफोर एंटरिंग, सबसे फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी ऑरोविल क्या है। ऑरोविल में दो पार्ट्स डिवाइडेड है, एक तो है टूरिस्ट सेंटर, जहाँ टूरिस्ट लोग जाके मैत्री मंदिर वगैरह विजिट कर सकते हैं, एंड दूसरा है ऑरोविल टाउन, जहाँ लोग रहते हैं। ऑरोविल ये एक ऐसी जगह है जहाँ दुनिया के हर कोने से लोग आकर रह सकते हैं। यहाँ पर किसी की जात, धर्म, नेशनैलिटी कुछ भी नहीं देखा जाता, यहाँ पर सभी को इक्वल माना जाता है, जो यहाँ पर आके पीसफुली एंड एक सस्टेनेबल लाइफ जी सकते हैं। अब रही बात टूरिस्ट सेंटर की, यहाँ टूरिस्ट को देखने के लिए इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया है, जहाँ ऑरोविल की हिस्ट्री एंड टाउनशिप की इंफॉर्मेशन दी है। देन देयर इज दिस ब्यूटीफुल गोल्डन डोम स्ट्रक्चर, जिसे मैत्री मंदिर कहा जाता है। इस डोम के अंदर जाने के लिए आपको उनकी वेबसाइट से 3 से 7 दिन पहले बुकिंग करना होगा और ये एवरी संडे एंड ट्यूजडे बंद रहता है। इसके अलावा यहाँ पर एक 100 साल से भी ज्यादा पुराना पीपल का पेड़ है, जिसकी अनोखी बात यह है कि उसके रूट्स इतने बढ़ गए हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये मल्टीपल ट्रीज है, तो ये भी आप देख सकते हो। एंड लास्टली, ये सभी पॉइंट्स देख के रिटर्न जाने के लिए यहाँ अंदर ही फ्री बस सर्विस भी अवेलेबल है, जिससे आप स्टार्टिंग पॉइंट तक जा सकते हो। सो गाइस, ये थे पॉन्डिचेरी के कुछ बहुत ही अमेजिंग प्लेसेस एंड इसकी कंप्लीट टूर आइटिनरी। मुझे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अगर कभी आप भी पॉन्डिचेरी आते हो तो आपका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड उसी के साथ आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि जब भी मेरा न्यू वीडियो आएगा
आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा। बाय दैट टाइम कीप ट्रैवलिंग विद तेजस्वी।